भाई नमस्कार और पलाग आप सभी को। मेरा कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ कपकोट के इन सुंदर हसीन वादियों से। तो मायके के हसीन वादियों को छोड़ के मैं आ गई थी कल यहाँ पे कपकोट में। तो आजकल जाड़ों के दिनों तो छत में धूप में एकदम बढ़िया लगता है, तो कुछ ऐसा शानदार सा मौसम हो रहा है यहाँ पे। सुबह तो एकदम अन्यार हुआ रहता है, कोहरा लग के तो सुबह तो वीडियो बनाने जैसे होता ही नहीं, तो दिन के समय कुछ ऐसा हो रहा है। तो भटकी चुटकानी सबसे ज्यादा बनता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। वैसे हर किसी की फेवरेट होती है भट गढ़वा, शायद को चौसा बनता है। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भटकी चुटकानी बनती है और डुबके बनते हैं, तो मैंने बना लिया है। हेलो पंतू, अरे यार ताई ने क्या कर दिया, क्या कोने तो क्या ताई, हम छत पे खा रहे हैं, बोलो ये कि नहीं। अरे ताई बोले स्कूल क्यों नहीं गया, आपको ये बहुत सयाना लग रहा होगा, ये दाढ़ी मूछ नहीं बनाता है, लेकिन ये छोटा है, मेरे शादी के दिन ऐसी रसगुल्ले मांग रहा था उधर से। इतना छोटा था ये, बहुत छोटे छोटे थे। परसों में वीडियो देख रहे थे हमने शादी की, बहुत छोटे थे राजी किट्टू, बहुत छोटे थे। अब देखो इतना सयाना हो गया है ना, पंतु भी बड़ा हो जाएगा अब कुछ सालों में, फिर वीडियो देखेगा ये वाला, देखा कैसा था मैं छत में ऐसे ऐसे। ठीक मेरे हाथ के नीचे दो नए सदस्य हैं, उनको दिखाती हूँ मैं बहुत समय बाद जो हमारे घर के ही हैं, घर के आसपास ही हैं। इनका उद्घाटन बहुत अच्छी तरीके से होगा, बाहर नहीं निकलते हैं लेकिन आज निकले तो बहुत अच्छा चीज बना रहे हैं, चूक बन रहा है ये रहे, इसको दिखाते हैं पब्लिक को, देखा ही है। ये है सोमेश्वर घाटी, कहाँ के रे, खैरना, खैरना की है। तो यहाँ रहते हैं, इधर कोई बहुत समय से रहते हैं लेकिन आज दिखे ये, आज हाथ पड़े। जब बबली घर आई तो बबली भी दो चार दिनों से घर आई, जब मैं मायके से आई तो ये यहाँ पहुँची थी और बना रहे हैं चूक स्पेशल सभी के लिए। ये है पहाड़ी पिसा हुआ नमक। और कैसा लगता है अभी तेरे को यहाँ? फिर तेरे तेरे घर के लोग भी वीडियो देखेंगे ना। छत में अलग चूक पार्टी चलती, माल्टा पार्टी, क्या चल रही भानु? माल्टा पार्टी, तभी तो स्कूल नहीं गया। कौन कौन लाया था माल्टा घर से? हाँ हाँ, मैं तो भुंगर गया था। भुंगर गया था, भुंगर बजाया वहाँ ननिहाल गया। अच्छा अच्छा, भुंगर हुआ फिर तेरा ननिहाल, ऐसा क्या नाम हुआ है भानु? भुंगर, भुंगर पड़ा था वहाँ, पता नहीं। अच्छा मस्त पीसा हुआ नमक है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सभी लगे हैं निको मैं की मम्मी, पूजा की मम्मी और दीदी, खाओ खाओ। यहाँ पे लेंटर की तैयारी कुछ इतनी चल गई है, कुछ दिनों में पिलर विल्लर जा चुके हैं छत के, अब शायद एक बार या तो लेंटर होगा या एक बार चिनाई होगी, जो भी होगा कार्यक्रम चला हुआ है। और आजकल फिर से हमने नदी से मोटर लगा दिया, तो सामने नीचे नदी में मोटर दिख रहा है और ये उसी का पाइप है, यहाँ से चाची लोगों ने भी अपने छत में ले रखा है। और सुंदी मुंदी साथ चलते हैं मेरे, मैं नमक चखती हूँ, क्या किसका की भी का, अब भांग के दाने लाई, बहुत मिचूरी ऐसी खा रही हूँ मैं। और छत वालों को देखने आई थी और यहाँ से मैंने नमक खा लिया और तब तक वहाँ चूक बन गया है लोगों का, तो देख के आ जाओ। और एक और नए सदस्य मैं आपको दिखाती हूँ, आपको तो देखा है भैया को, भैया भी बहुत समय पहले घर आ गए थे। भैया ठीक हो रहा है? बढ़िया, तो मकान भैया लोगों का ही चल रखा है, तो भैया से मैं थोड़ा सा नदी का पानी मांग रही हूँ, नदी का पानी मांग रही हूँ। चलो दिखाओ बॉक्सी का खेल, इसमें ना सब राधा को याद कर रहे हैं आज यहाँ पे चाटने के लिए, सिर्फ राधा बर्तन चाटने के लिए खुश होती थी। तो आज बना यहाँ पे साल का फर्स्ट नींबू, तो खा के सभी एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बना है, हम भी खाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। वैसे आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, ये लो लो, हो गया हो गया, अब ना खा, अब दिया है मस्त, पर इसके मुंह में पानी आ रहा छोटे बाबू, सबके रिएक्शन दिखा, थोड़ा और दे यार, गाली खाओ यार। राधा बदियाल, राधा बदियाल, तभी तभी खाओ, ये राधा के बदले खा रही हूँ मैं।
अच्छा हो रहा है, खाओ भी खाओ, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे यहाँ साल का पहला नींबू इतने सुंदर से मौसम में, देखो आहा क्या मजा आ रहा है। राजी बहनों का प्यार देखो तो, पहली बार खा रही क्या? कभी नहीं रहे वैसे तो। बेचारे ड्यूटी ड्यूटी करके फिर सुबह से शाम ड्यूटी हुई, कब नींबू खाती। वाले खा रहे थे ये तो खाते होगे उस घाटी सोमेश्वर घाटी गरुड़ वहाँ तो खाते ही हैं। खैर ना गोलना, अरे मैंने क्या पूछा तेरे को पानी के बाद कल जो बोतल कल जो ब्लॉग देखो मैं खा लूं। हमेशा गंगा तो एक डांटती है ना, तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया। क्या रहने, जब डांस करते हो समझ नहीं आती आपको शर्म। अब देखूंगी ना आपके लड़के की शादी में है। दावे सर काम में मिला 5 लाख पड़े। हां 5 लाख तो मस्त चू को खा लिया। अब खाना खाने का टाइम हो गया है, बस चू का स्वाद हो रहा था मुंह में। अब खाना कैसे खाएं, इसके पापा आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। मटकी चुटकानी भात और चटनी मटकी मट्ठा के साथ मैं खा रही हूँ, और ये ऐसी खा रही सारा। तो अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, मैं दुकान से घर आ गई हूँ कि अब खाना वाना बनाना है रात के लिए। नमो ट्यूशन गया है, वो अभी आया नहीं है, तो दिन भर के बाद मैं अभी सीधे मिल रहा हूँ आपको शाम को। देखना नमो ट्यूशन जा रहा है और वीडियो स्टार्ट करी थी जब मैं ट्यूशन से आया। क्यों नहीं करनी थी? करनी थी क्या? अपने कपड़े ठीक ठाक करके क्या देख रहा है इसको? देखो मेरे खिलौने से क्या करी, इसको मोल इस, ये कुछ नहीं करेगी मेरे। इसको देखो पहले तो नहीं खेल रही थी, गुड मॉर्निंग। आज है अगले सुबह, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। ये सर कल रात को कटिंग कर रही थी, इनको दुकान में पहुंचाती हूँ अब। मौसम के हाल ये हैं, तभी मैं इतनी बुझी बुझी हो रखी हूँ टोपी ओपी पहन के। सुबह सुबह नहाया तो ठंडा लग गया, तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम नाश्ता करते हैं। और आजकल घर सुनसान हो रहा है मम्मी और पापा के बिना, नमो स्कूल चले गया। तो गर्मा गर्म नाश्ते में है मूली के पराठे। मूली को मैंने आटा के साथ ही गूंथ दिया था तो अच्छे से बन गए, फटे फूटे कुछ नहीं हुए। गर्मा गर्म दो पराठे, दही चटनी, ये लीजिए आप लोग भी खाइए। तो दोस्तों नाश्ता भी कर लिया है, क्या मस्त नाश्ता बना था पतिदेव जी और मैंने खा लिया। नमो सुबह ही खा के और टिफिन भी पैक करके चले गया था, तो हम चलते हैं दुकान की तरफ। तो दुकान में जाने से पहले मैं थोड़ी सी छत में धूप की किरण दिख रही थी, तो यहाँ को आएगी, मैंने कहा थोड़े बाल बाल सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तो आएगी नहीं, 10:30 बज ही जाएंगे। तो मेरा आजकल चेहरा भी देख रहे होंगे कि पूरा उनील उनील टाइप का हो रहा है। रात रात देर रात तक कटिंग करना, सारे बरातों का काम निपटाना हो रहा है ना, तो इस वजह से। और तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाइए। मैं मिलती हूँ जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, बाय। और आपका दिन शुभ हो, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग की एंडिंग कर दे रही हूँ।